हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा लाइफस्टाइल। सो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब कुछ काम था। ऑफ कोर्स अभी बता नहीं सकती क्योंकि वो काम पूरा हुआ ही नहीं। सो आज का दिन है बहुत स्पेशल क्योंकि आज हमारे ससुर जी यानी हमारे पापा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। सो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कुछ इस तरीके से क्योंकि आज मम्मी ना वो पापा को सरप्राइज देने वाली है कुछ गिफ्ट के साथ में, कुछ बाहर के खानों के साथ में, कुछ केक वगैरह, कुछ फ्लावर्स वगैरह। मतलब पापा तो यार सबके लिए करते हैं तो फिर उनके लिए हम क्यों ना करें, ठीक है। एक ही दिन तो रहता है उनको स्पेशल फील कराने के लिए, तो सोचा कि क्यों ना उनके लिए हम कुछ स्पेशल करें और उनको भी अलग सा स्पेशल फील कराएं। सो मम्मी और मैं चले गए चीजों को लेने के लिए क्योंकि इस टाइम पे अभी बज रहे हैं 4 और 4 से 5 तक राधा रहती है और ट्यूशन में, तो हमने सोचा कि यही टाइम अच्छा रहेगा शॉपिंग करने का, चीजों को लेने का। तो मम्मी ने पापा को सरप्राइज देना था कि एक 2 शर्ट लिया है उन्होंने और एक रेड रोज जो जया दी ने सजेस्ट किया था, बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी कभी प्यार को जताना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर रेड रोज, उसके बाद हमने रेड रोज ले लिया, शर्ट ले लिया, मम्मी ने शर्ट देना था पापा को गिफ्ट, शर्ट ले लिया। और यहाँ पे हमें कुछ दिख गया, एक अच्छा सा स्पेशल सा पर्स जो ऑफकोर्स लेडीज अगर देख रही हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, तो जाके देखना, मोल भाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये अच्छा लग रहा था, हमने सोचा कि ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब बहुत कन्फ्यूजन में थे। तो हमने सोचा जान दो जियादी आएंगी उसके बाद ले लेंगे। फिर वहां पे हमें मिल गए हमारे एजीओ जी क्योंकि उनका टाइमिंग भी शाम को यही रहता है, 5:30 बजे तक वो आ जाते हैं ऑफिस से। तो रास्ते में मिल गए तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में चले। यहाँ पे हमने कुछ खाना था जिससे समोसा वगैरह कुछ ले लिया हमने। यहाँ पर मैं आ गई घर पे, सो फटाफट से क्लिप चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने फटाफट से क्लिप चेंज कर दिए। यहाँ पे मम्मी उसको बोल रही है, बेटा कुछ तो बोल, मैं तेरे लिए इतना गाना गा रही हूँ, लेकिन उसको तो पड़ी नहीं है, उसको तो अपने में गाना में लगी पड़ी है। सो यहाँ पे मैं और हमारे एजीओ जी और हमारी बिटिया रानी चल दिए केक लेने के लिए पापा जी के लिए। तो आ गए हम लोग केक की शॉप पे, केक ले लिया है। अब मैं राधा को पूछ रही हूँ, बेटा किसका बर्थडे, इसको तो उससे कोई मतलब नहीं है, केक जहाँ दिख जाए ना इसको, तो इसको दुनिया का मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है केक से। सो फाइनली उसने बता दिया कि हाँ आज हमारे मेरे बाबा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। सो उसने प्यार से एक मैसेज भी किया था, हैप्पी बर्थडे बाबा, लव यू सो मच। तो यहाँ पे केक वगैरह हमने ले लिया है पापा को सरप्राइज देने के लिए। पापा को एक्चुअली ना ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद आती है, लेकिन यार साल में एक बार तो ये दिन आता है तो हमने सोचा क्यों ना इसको इंजॉय करें। पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे बहुत कुछ क्या, हमारे लिए ही करते हैं वो। हमारे पापा हुए, मेरे पापा हुए, ससुर जी हुए हमारे, मेरे हस्बैंड हुए, लोग जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। आदमियों की जिंदगी ना बहुत डिफिकल्ट होती है, यानी कि वो लोग बहुत बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में, अपने लिए वो टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते। तो हम होते हैं कि हम यार थोड़ी सी उनके लिए चीजें कर दे तो अच्छा लगेगा उनको भी यार, और हमें भी अच्छा लगेगा, और इसी बहाने पार्टी भी हो जाएगी। सो एक मोटो होता कि यार उनको भी स्पेशल फील कराना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाहर, और वो क्यों जाते, हमारे लिए जाते। सो ये एक दिन होता है, कुछ दिन होते ऐसे आते हैं कि हमें हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि क्यों इसको ऐसे ही जाने दो। तो मम्मी और मैंने इनको, पापा को अच्छी तरीके से सरप्राइज दिया। सो ये रहा केक, यू वन सिंह। सो यहाँ पे केक वेक सब रेडी हो गया, बट ये है कि काम में बिजी, आए नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मैं बोल रही भैया चलो भाई चलो, लेट हो रहा है, बाहर से खाना भी हमने मंगाना है और खाना भी खाना है, डिनर तो बाहर का ही रहेगा, और मम्मी का सरप्राइज रेडी है। मम्मी ने पापा के लिए लिया था 2 शर्ट, जो बहुत ही प्यारा शर्ट था, पापा ऐसे ही बैठे, मम्मी वेट करी कि भैया कब पहनोगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भूख लगी, पापा जल्दी पहनो। तो यहाँ पे फाइनली मम्मी लेकर आ रही है शर्ट, और मम्मी का एक्साइटमेंट मम्मी के फेस से दिख रहा है कि वो कितनी खुश है पापा को गिफ्ट देते हुए। कुछ यहाँ पे पापा काम कर रहे थे भैया, सो यहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे थे और पापा को मम्मी ने दिया शर्ट, पापा का फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा था, अरे ये कहाँ ले आई हो, ये कहाँ ले आई हो, मतलब खुश तो वो भी थे बट ऊपर से ये सब चीजें फालतू खर्चा होती है। ऑफकोर्स पापा लोग होते हैं ना, वो लोग अपने लिए अगर उनके लिए कुछ कर दे तो उनको लगता है ये चीजें फालतू है, हम अगर वही चीज हम लेंगे तो बोलते हैं हाँ तुम्हें जरूरत है तुम ले लो, हमें जरूरत नहीं है, तो उनको लगता है कि ये चीजें फालतू है। राधा जब से केक आया हुआ है ना, उसी के आसपास मंडरा रही है मधुमक्खी की तरह, और मधुमक्खी जैसा कपड़ा भी पहना है उसने, ब्लू, अरे येलो एंड ब्लैक। और यहाँ पे फाइनली पापा ने शर्ट पहन लिया और बहुत अच्छा लग रहा था उनके, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ब्लैक एक ऐसा कलर है ना
कि सब पे अच्छा लगता है, कोई भी पहने ब्लैक कलर। यहाँ पे पापा रेडी हो गए, पापा बोले लो मैं पहन लिया अब मैं चलता हूँ केक काटने। तो हमने बोला भाई अच्छे से पहन लो, अच्छे से रेडी वेडी हो जाओ। बट एक प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी पेट पापा की थोड़ी सी बाहर है ना, तो वहाँ का जो खिड़की है वो खुला हुआ है। सो ये प्रॉब्लम हो गई, थी दोनों शर्ट, एक वाइट में थी एक ब्लैक में थी। बट दोनों शर्ट बहुत ही प्यारी थी, मम्मी को देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि इनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा शर्ट जच रहा था। मतलब ऐसे शर्ट अभी उन्होंने पहनी नहीं है ना, तो कुछ नया नया ट्राई करते हैं, कुछ नया नया होता है तो फिर पहने रहते हैं। सो यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बर्थडे केक सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी अपनी बकर बकर बंद करती हूँ और आप इंजॉय करो हमारा केक सेलिब्रेशन और पार्टी और जो भी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर अगर न्यू चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं व्लॉग बहुत कम बनाती हूँ लेकिन ट्राई करूंगी व्लॉग बनाऊं और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लाऊं। सो बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय द वीडियो। Thank you.